सीधा है ना। चलिए तो क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में जेई मेन 2014 का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉलिड स्टेट चैप्टर है, ठीक है। और इसमें जो ये क्वेश्चन आया है, पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। CaCl crystallizes in body centered cubic lattice. If edge length is a, then which of the following expression is correct? अब देखिए यहाँ पे सॉलिड स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सम आयनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स, ठीक। और ये टॉपिक जेई मेन एज वेल एज जेई एडवांस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्ट्रक्चर आते हैं, एक NaCl टाइप स्ट्रक्चर, ZnS टाइप स्ट्रक्चर, Na2O स्ट्रक्चर, CaF2 स्ट्रक्चर, CaCl स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो व्हाट इज सजेस्टेड कि आप इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से करें, इनके स्ट्रक्चर के जो रिजल्ट है वो लगभग याद करने वाले होते हैं, ठीक है। तो NaCl जैसे है, ठीक है ना, इसमें FCC स्ट्रक्चर में जमता है एटम, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये इनमें से CaCl के बारे में पूछा गया है। अब इस टॉपिक की शुरुआत कैसे होती है कि RCS प्लस अपॉन RCl माइनस दिस रेशियो एक्सपेरिमेंटली 0.93, ठीक, दिस रेशियो इज 0.93, ठीक। अब अगर ये रेशियो होता है केटाइन और एनायन का, ठीक है, मतलब रेशियो अगर 0.732 से बड़ा हो और 0.93 से छोटा हो, तो जो एटम होगा स्मॉल एटम, दैट स्मॉल एटम कम्स इनटू, स्मॉल एटम कम्स इनटू क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड। और इसमें हम थ्योरी पार्ट में इस चीज को पढ़ते हैं डिटेल में कि अगर इसके बीच में हो तो R प्लस प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3a/2 होता है, जो याद करने के लिए बोला जाता है कि इस रिलेशन को आप सीधा याद करें। तो वैसे आंसर तो हम ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं, बट अगर अपन इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करें कि आया कैसे, तो बताता हूं मैं। अगर क्यूबिक लेटिस में इस क्वेश्चन में पहले बोला हुआ है कि इट इज BCC लाइक स्ट्रक्चर, तो BCC लाइक स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि यहां पर कॉर्नर्स पे जो एटम है, एट कॉर्नर्स आर देयर, सो आई एम अरेंजिंग एट Cl माइनस एटम्स एट द कॉर्नर्स, ठीक। अब एट जो एटम है यहां पे, इनके बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में, इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर। तो हम एक काम करते हैं, इस बॉडी सेंटर पे एक वॉइड बनेगा जिसका नाम होगा क्यूबिकल वॉइड। क्यूबिकल वॉइड अगर, तो इस रेशियो के हिसाब से ये जो एटम है CS प्लस का, वो यहां आने वाला है, दिस इज CS प्लस एटम। तो CS प्लस एटम को मैंने बॉडी सेंटर में जमाया। अब हमसे पूछ रहा है कि इफ एज लेंथ ऑफ क्यूब इज ए, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। अगर मैं इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाता हूं पूरा, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल कितना होता है कि अगर ये डिस्टेंस में एज लेंथ ए बोल रहा हूं, फेस डायगोनल ये होगा √2a, और ट्राइंगल से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो बॉडी डायगोनल जिसे मैं यहां बना दू, ये √2a, ये a, और ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो ट्राइंगल के लोस है ये आएगा √3a। यानी कि ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस होगी √3a। अब अगर मैं बिल्कुल ये हाफ डिस्टेंस लू यहां से यहां तक ये डिस्टेंस, तो इफ दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज √3a, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू √3a/2। और इस डिस्टेंस का मतलब क्या है, दिस इज Cl माइनस आयन टचिंग दिस CS प्लस। तो मैं अगर Cl माइनस ऐसे बनाता हूं और CS प्लस ऐसे बनाता हूं, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस क्या कही जाएगी, अगर ये RCl माइनस है तो ये RCS प्लस होगा, तो RCl माइनस प्लस RCS प्लस बराबर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल का हाफ, बॉडी डायगोनल इज √3a और उसका हाफ कितना हो जाएगा √3a/2। सो द करेक्ट आंसर इज, अगर हम यहां देखें
तो आर सी एस प्लस प्लस आर सी एल माइनस रूट थ्री ए बाई टू, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जैसा रिजल्ट यहां पे आया है, ठीक है ना, सेम ऐसे ही रिजल्ट इनके लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो यह आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि जेई मेन और एडवांस दोनों में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके रिजल्ट आपको सीधे याद करने हैं, किस तरह के वॉइड में आता है, ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है, इनमें मिनिमम डिस्टेंस क्या है। अब देखिए थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड करूं, ठीक है ना, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अपन ये बोले कि ये तो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। अगर हमसे ये पूछा जाता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सी एल माइनस आयन, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए। तो अगर मुझसे पूछा जाता, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एस प्लस एंड सी एल माइनस, तो ये तो हमने लिख दिया रूट थ्री ए बाई टू, ये कहां से आया कि दिस इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटाइन एंड एनायन। अगर हमसे बोला जाता कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सी एल माइनस, ठीक है, टू सी एल माइनस मतलब एक ये वाला एक ये वाला, तो ये एज लेंथ ए है, तो आंसर इसका कितना आ गया, ए। और अगर मुझसे पूछा जाता कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सी एस प्लस, ठीक है, तो सी एस प्लस एक्चुअली कहां पर है, बॉडी सेंटर में। अब अगर यदि इस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे एक सी एस प्लस है, तो सेम अगला जो यूनिट सेल होगा उसके बॉडी सेंटर पे भी होगा, यानी कि ऐसे बनाऊं मैं कि ये एक यूनिट सेल, ये दूसरी यूनिट सेल, यहां सी एस प्लस और यहां पे भी क्या होगा, एक सी एस प्लस। तो दो सी एस प्लस के बीच की डिस्टेंस, यानी कि एक रूम के सेंटर से दूसरे रूम के सेंटर की डिस्टेंस एग्जैक्टली कितनी होगी, ए। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। तो इन जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इनमें बहुत सारे रिजल्ट हैं जो कि आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो, और उनसे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है। तो इस टॉपिक को खास तौर से स्ट्रॉन्ग करें।